एमपी सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल के बेटे लोकेंद्र लक्की पटेल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मंत्री के बेटे का गुस्सा तो है ही, साथ ही अफसरों को नसीहत भी दी गई है कि सिर्फ कमीशन न ले बल्कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता का ख्याल भी रखे। दरअसल मंत्री लखन पटेल के विधानसभा क्षेत्र दमोह जिले के पथरिया में कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही केवलारी सड़क है। मंत्री पुत्र इसी सड़क से इलाके के दौरे पर थे, तभी एक सड़क हादसा उनकी नजर में आया। इस हादसे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लक्की इसे देखने के लिए उतरे और पीड़ितों की मदद भी की, और जब हादसे की वजह जानी तो हतप्रभ रह गए। नवनिर्मित सड़क सिर्फ उखड़ ही नहीं रही थी बल्कि पूरी सड़क अंदर घुस रही है। इन हालातों को देख मंत्री के बेटे ने सड़क निर्माण में लगे अफसरों को मौके पर बुलाया और उनकी क्लास लगा दी। मंत्री के बेटे लक्की ने साफ साफ कहा कि सिर्फ कमीशन न ले बल्कि सड़क निर्माण पर भी ध्यान दे। इतना ही नहीं, हूबहू किसी मंत्री के स्टाइल में बेटे ने अपने स्टाफ से सड़क एजेंसी के जीएम और जनपद की सीईओ को फोन लगाने को भी कहा। ये तेवर भराया वीडियो सामने आया तो फिर उन्होंने वीडियो जारी भी किया और बताया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता नहीं है और इसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों से भी की है। क्षेत्र में ग्राम केवलारी से सेमरा हजारी के बीच मेरा जाना हुआ, वहाँ देखा कि रोड का निर्माण अभी पिछले एक महीने पहले हुआ है। रोड का निर्माण इतना गुणवत्ताहीन है कि रोड बीच में धस चुकी है। वहाँ ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की कि रोड के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में मैंने तत्काल अधिकारियों को फ़ोन किया और इसकी जाँच और इसके सुधार कार्य के लिए निवेदन किया। और यह रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनाई जा रही है, जिसका निर्माण अभी चल ही रहा है।